छुंदा एक ऐसी रेसिपी है जो कि सभी गुजराती घरों में पाई जाती है। क्विक काम का छुंदा इस बहुत लोकप्रिय रेसिपी का एक त्वरित संस्करण है जिसका स्वाद शानदार होता है और इसे आप पूड़ी, पराठे, रोटी, नान किसी के साथ भी खाना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं गुजराती आम का छुंदा। आम का छुंदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तोतापुरी आम लिए हैं। आप जिसका चाहें उसका छुंदा बना सकते हैं। तोतापुरी आम हल्का सा मीठा होता है, ये ज्यादा खट्टा नहीं होता, इसलिए मैंने इसका यूज किया। चलिए इसको अच्छे से छील लेते हैं। अब हम आम को बहुत ही अच्छे से छील लेंगे। मैंने आम को अच्छे से धो के ले लिया है फ्रेंड। चलिए एक प्लेट लेते हैं और आम को अच्छे से छील लेते हैं। आप चाहें तो आम को छीलने वाले चाकू से भी छील सकते हैं और आप चाहें तो इसको काटने वाले चाकू से भी छील सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसको कैसे छीलना है। मैं यहाँ पर इसको पिलर से छील रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा एक आम छील के तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम सारे आम को अच्छे से छील लेंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम दूसरे आम को भी अच्छे से छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने दोनों आम को बहुत ही अच्छे से छील लिया है। आप चाहें तो इन आम को इस टाइम पे भी धो सकते हैं। आम के छीलने के बाद इसको साइड करते हैं और एक ग्रेटर लेते हैं। ग्रेटर की जो सबसे मोटी वाली साइड होती है, इससे हमें आम को ग्रेट करना है। तो चलिए इसको ग्रेट कर। अब हम एक बोल लेते हैं, बोल में इस ग्रेटर को रखते हैं और अपने आमों को कस लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके आम के अंदर गुठली कच्ची है तो आप उस गुठली को निकाल दीजिए, नहीं तो आप गुठली को छोड़कर सारे आम को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने कैरी को बिल्कुल जैसे अलग अलग होता है ना, लच्छे होते हैं आलू के, उस टाइप से ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में ये पार्ट बहुत जरूरी है, कैरी के लच्छे जरूर बनने चाहिए, नहीं तो हमारी जो रेसिपी है वो बिगड़ भी सकती है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। फ्रेंड, चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और इसका छुंदा बनाते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे और जैसे ही वो कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर हम उसमें अपने आम को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो छुंदा बनाने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आम को ग्रेट किया है उसमें शक्कर मिलाया जाता है। जो आम ज्यादा खट्टा होता है उसमें शक्कर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है और फिर जिस बर्तन में हमने आम को शक्कर में मिला के रखा उसको एक कपड़े से ढककर बिल्कुल बंद करके 6 से 7 दिन के लिए धूप में रखा जाता है और जब तक उसमें एक तार की चाशनी नहीं बनती तब तक छुंदा नहीं बनता है। लेकिन इंस्टेंट छुंदा हम गैस पे भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम इंस्टेंट छुंदा की ही रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने जो आम को ग्रेट करके रखा था उसको अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे और कढ़ाई की गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी साइड में गुड़ को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 100 से 150 ग्राम के लगभग गुड़ ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक हमारा गुड़ आम के साथ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। धीरे धीरे इनको मिलाते रहेंगे और गुड़ को आम के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर स्लो ही रखना है। फ्रेंड्स, गुड़ को मेल्ट करते करते हमें लगभग 5 से 7 मिनट हो गया है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, जो भी गुड़ बाकी बचा है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेट करके गुड़ को डालेंगे तो वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब हमें इसको ऐसे ही पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए ताकि इसका जितना भी पानी था वो खत्म हो जाए और गुड़ अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं और आम को लगभग पकाते पकाते हमें 10 से 15 मिनट हो चुका है। फ्रेंड्स, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आम का पानी सूखने में टाइम लगता है और अगर हम आम का पानी अच्छे से नहीं सुखाएंगे तो हमारा ये अचार खराब भी हो सकता है। तो इसलिए आगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। इसमें टेस्ट के लिए काला नमक ऐड करते हैं। आप चाहें तो सफेद नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून के लगभग काला नमक ऐड कर रही हूँ। 1 पिंच के लगभग हम इसमें हींग ऐड करेंगे।
फ्रेंड्स हींग से क्या होगा, हींग से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हींग अच्छा होता है, तो इसलिए हींग डालना जरूरी है। फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसमें 1 से 2 हरी इलायची को कूट के ऐड कर रही हूँ, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग कलौंजी ऐड करेंगे, कलौंजी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। 1/2 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, आप चाहें तो चीजों को पहले भून के उसको ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे रोटी के साथ खाते हैं और इन मसालों के बाइट्स मुंह में आती है तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स 1/2 टेबल स्पून के लगभग मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स को ऐड कर रही हूँ ताकि जब हम इसको सर्व करें तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से आम के साथ मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब हम 5 मिनट के लिए इसको बहुत ही अच्छे से चलाएंगे, आप चाहें तो इसमें लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लौंग का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि गर्मी है और लौंग तीखा होता है। फ्रेंड्स ये लीजिए आम का छुंदा बनके तैयार है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसको सर्व करते हैं, आप इसे रोटी पूड़ी पराठा नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी सर्विंग करते हैं। फ्रेंड्स एक प्लेट ले ली है, अब हम अपने छुंदे को इसमें सर्व करते हैं। फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खाते रहिए खिलाते रहिए मस्त रहिए।